टोंक में संतों के साथ मारपीट की गई है। तीन संत मंदिरों को बंधक बना करके मारपीट की गई है। मालपुर के पिंडरीगढ़ महादेव मंदिर का ये पूरा मामला है। टोंक में संतों के साथ मारपीट, तीन संतों को मंदिर में बंधक बना करके पीटा गया है और संतों की पिटाई कर मंदिर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 किलो चांदी और जेवरात लेकर के बदमाश फरार हो गए हैं। मालपुरा के पिंडरीगढ़ महादेव मंदिर की घटना है ये। तो पूरी खबर टोंक से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संतों के साथ मारपीट की गई है। तीन संतों को मंदिर में बंधक बना करके पीटा गया है। संतों की पिटाई कर मंदिर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 4 किलो चांदी, वजाहत अख्तर, ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत, पूरी घटना विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल कृति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मालपुरा के पिंडरीगढ़ महादेव मंदिर में एक बड़ी वारदात यहाँ पर हुई है। जो दो संत थे उसके अलावा एक अन्य जो लोग थे उनको यहाँ पर बंधक बनाकर उनके साथ जमकर मारपीट यहाँ पर की गई है। उसके साथ साथ वहां पर सोने और चांदी के जो आभूषण थे, जो देवरात थे, उनको भी लूटा गया है। इसके साथ साथ खजाना खोदने के अंदेशे में जो मोर चुक था उसको भी वहां पर खुदाई की गई है। इसके साथ साथ जो वहां संत थे उनकी अल्टो कार को जो लुटेरे थे उन्होंने वहां से चुराया और उसके बाद नगरफोर्ट थाना क्षेत्र के आसपास के जो गांव है वहां पर वो छोड़कर उन्हें फरार हो गए हैं। फिलहाल जो है पुलिस लगातार आरोपियों को ट्रेस कर रही है। जो खुफिया टीम है पुलिस की, वो लगातार आरोपियों का पीछा यहां पर कर रही है। इसके साथ साथ जो घायल संत हैं उनको फिलहाल उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। उसके अलावा जो मंदिर के कक्ष है उनको सील यहां पर कर दिया गया है। कुछ ही देर में एफएसएल की टीम यहां पर पहुंचेगी और वो यहां से अहम साक्ष्य यहां पर जुटाएगी। प्रीति वजाहत, क्या मंदिर में कोई सीसीटीवी कैमरा या फिर कोई आसपास जो लोग वो बता रहे हो पूरी घटना? जी बिल्कुल कृति, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिंडरीगढ़ महादेव मंदिर की घटना है। सीसीटीवी कैमरा जो है फिलहाल पुलिस इसी तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं, इसी तरीके के पहलू जो है उनकी जांच कर रही है। बीती देर रात की ये घटना है जहाँ सूचना जो है ग्रामीणों ने इसकी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। इसके साथ साथ एफएसएल की टीम भी अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेगी और तमाम तरीके की जाँच यहाँ पर करेगी। ठीक है वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।